हिमाचल प्रदेश मुख्य अध्यापक संवर्ग अधिकारी संघ, पदोन्नत अध्यापक संघ, विज्ञान अध्यापक संघ और प्रदेश स्नातक संघ ने मांग की है कि प्रदेश सरकार न्यायालय के फैसले को जल्द लागू करे और शिक्षकों की वरिष्ठता सूचियां पुनः बनाई जाए। शिक्षक संघों ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भी भेजा। हमने ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय लिया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों को जो पुनर्नियुक्ति के बाद वरिष्ठता दी जाती थी उसको असंवैधानिक करार दिया गया है, इसको लागू करवाने के समर्थन में हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई है। सरकार द्वारा संशोधित सूतियाँ बनाई जा रही हैं, लेकिन वो थोड़ा सुस्ती से चल रहा है कार्य, उसको त्वरित करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। दूसरा मेन मुद्दा ये है, भूतपूर्व सैनिक चाह रहे हैं कि 2008 के बाद जो नियुक्त हुए हैं उनको लागू किया जाए, जबकि सरकार द्वारा जो है हम ये मांग कर रहे हैं कि जो निर्णय आया है 1 जुलाई 1997 से इसको लागू किया जाए, इस पर तकरार बाकी है। तो मैं ये चाहूँगा कि सरकार जो है जैसा वर्डिक्ट आया है निर्णय के अनुसार इसको लागू करे और शीघ्र संशोधित सूचियाँ जो हैं जारी करे, और उसके बाद ताकि जो पदोन्नति का इंतजार कर रहे मुख्य अध्यापक हैं या प्रधानाचार्य हैं या अध्यापक हैं उनको पदोन्नति मिल सके और वो पदोन्नति पाकर रिटायर हों। बहुत सारे जो हमारे साथी हैं बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो गए हैं। दूसरा, शिक्षा की गुणवत्ता पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, बिना मुखियों के स्कूल चल रहे हैं और प्रदेश के सरकारी स्कूलों की क्वालिटी जो वो इस कारण गिर रही है। हमें खेत से कहना पड़ रहा है कि वो भी हमारे भाई हैं, अपनी पत्नियों को ढाल बना के उन्होंने उनको आगे किया है। तो मैं ये बताना चाहूँगा प्रेस के माध्यम से कि हम सरकार के समर्थन में जो सभी अध्यापक और बाकी कर्मचारी हैं, क्योंकि इसका प्रभाव सभी सरकारी विभागों पर पड़ रहा है वरिष्ठता का, तो हम सरकार के समर्थन में रैलियां निकालेंगे और जरूरत पड़ी तो हमें भी अपने जो परिवारों को है वो लाना पड़ेगा। तो 80,000 जो कर्मचारी हिमाचल सरकार में सिविलियन हैं भूतपूर्व सैनिकों को छोड़ के, 3,000 को छोड़ के, तो वो जो है वो सरकार के समर्थन में सड़कों पे उतरेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उन्होंने अधिसूचना भी जारी कर दी है, तो इस पे शीघ्र वो अमल करवाएंगे, ये हम आशा करते हैं। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निरुपजित निप्पी की रिपोर्ट।